बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में बताऊंगी वैसलीन और मीठे सोडे से हम अपने हाथों की स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने कुछ ये ड्रेस स्टिच किया था जिसका पजामा टाइप कुछ इस तरीके का है और मैंने इसमें पॉकेट भी बनाई थी। कैसे ये ड्रेस जो है मैंने सिलाई किया था, तो अगर आप इसकी वीडियो जो है देखना चाहते हैं, ये बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक लगती है और ईजीली आप इसे आसानी से जो है स्टिच कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के एंड में मैं बता दूँगी कि किस तरीके से मैंने ये जो है इसकी डिज़ाइनिंग की थी। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैंने मीठे सोडे और वैसलिन की रेमेडी आज आपके साथ शेयर करनी है। आप पहले मेरे हाथों की स्किन चेक कर चुके हैं, मैंने चेक करवा दी है। मैंने एक टेबलस्पून जो है मीठा सोडा लिया है, आप अपने किचन में से ही ले सकते हैं। जैसे कि बर्तन साफ करते वक्त या घर के कामों में बिजी होते वक्त आप अपने हाथों की स्किन की केयर नहीं कर सकते, तो एक टेबलस्पून ही मैंने वैसलिन ले लेनी है। अच्छा, मैं दोनों हाथों की स्किन के लिए जो है बताने वाली हूँ। इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। सर्दी में हमारे हाथ काफ़ी डैमेज और ड्राई हो जाते हैं और हमारी एड़ियां भी जो है फट जाती हैं। आप अपनी जो है पैरों की एड़ियों पर भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब एक मेन इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करना है, वो है जी दूध। थोड़ा सा जो है मैं इसमें दूध मिक्स करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक कर देना है। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इसे किस तरीके से हमने अब हाथों की स्किन पर यूज़ करना है। आप अभी मेरे हाथों की स्किन चेक कर सकते हैं और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद भी लाइव आपको चेक करवाऊँगी। अगर आपके हाथों पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स हो गए हैं, झुल्लियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विंटर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि विंटर स्टार्ट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, पूरे हाथों की स्किन पर इसे फैला दूँगी, दोनों हाथों की स्किन पर, और इसे जो है हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करनी है। देखिए, जैसे ही मैं मसाज करूँगी ना अपने हाथों पर, आपको मेरी स्किन जो है अंदर से वाइट वाइट होना नज़र आ जाएगी कि किस तरीके से जो है ना मेरी स्किन जो है वो वाइट हो रही है। अभी देखेंगे, जहाँ जहाँ से मैं मसाज कर रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें कितनी जो है हमारी स्किन जो है वो वाइट होना शुरू हो गई है। ये काफ़ी अच्छी रेमेडी है, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में आपने आकर लाजमी बताना है कि वाकई ही कुछ पते की चीज़ जो है आपको पता चला है, कुछ अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर की है मैंने। इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने 5 से 10 मिनट मसाज करना है। अब क्या करना है, आपके पास अगर ग्लव्स हैं तो ग्लव्स आपने ले लेने हैं। एक हाथ पे मैं ग्लव्स जो है शापर की मदद से इसे कवर कर लूँगी। इसे आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। अगर रात के सोने से पहले आप इसे यूज़ करें तो बहुत ही बेस्ट है। और मैं तो वीडियो के लिए बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो है इसे रखा था तकरीबन 15 मिनट और 15 मिनट के बाद मैंने गर्म पानी से जो है अपने हाथों को वॉश किया था। अच्छा, जो मैंने आपको पहले ड्रेस दिखाया था स्टिच किया हुआ, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आगे चल के मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैं छोटा सा जो है ये क्लिप लिया था ड्रेस का। अभी देख सकते हैं मैंने हाथों की स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ और कितनी अच्छे से वाइटनिंग आ चुकी है। ये जो ड्रेस जो है मैंने रेडी किया था और आप इसे ईजिली अपने घर में ही रेडी करके, ये देखिए इस तरह के इसके जो है वो बाजू हैं और बाजू के जो कंधे हैं उस पर भी मैंने डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से की हुई है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग वाली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इस तरह की जो है मैंने लेस जो है इधर लगाई थी इसके दामन में भी, जो गुम सिलाई में लगाते हैं पता भी नहीं चलता, और इस तरह की पॉकेट मैंने बनाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ड्रेस भी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।